फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश टैरो कार्ड रीडर। थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश टैरो कार्ड रीडर। ये जो रीडिंग देख रहे हैं, ये है कार्ड ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2020। कैसा रहेगा? मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोवाल, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कंगना रनौत, टर्की प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनके लिए है इस बार का कार्ड ऑफ द मंथ। अब आगे बढ़ने से पहले एक माफ़ी चाहूँगा, इस बार थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ। व्यस्त होने के कारण जल्दी नहीं कर पाया ये रीडिंग, बट यस, आपके सामने है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो ये टर्की प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अभी ये देखिए, ये कार्ड आया है इसके लिए, कार्ड ऑफ द मंथ, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड जब आता है तो आप सबको मालूम है कि क्या मैं इसका क्या मतलब निकालता हूँ। एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ अ जर्नी एंड स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग जर्नी, या तो ये मतलब, या तो विदेश से मतलब है, विदेश यात्रा। तो या तो ये टर्की बूढ़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर विदेश भागने के चक्कर में होगा किसी न किसी रीज़न की वजह से, या तो फिर ये परमानेंटली दूर चले जाएगा, यही दिखता है। ये दो चीजें हो सकती है। फिर कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है उनके बयानों की वजह से, लेकिन यस, खूंटा गाड़ के खड़ी है। वो बोलते हैं ना, जो मर्दों का काम है वो औरत कर रही है, और पूरा बॉलीवुड एक तरफ है और ये लेडी एक तरफ है, तो लोहा तो मानना पड़ेगा। शी इज़ ए एक्शन मैन, शी इज नॉट क्वीन, शी इज किंग। अब बात आती है आदित्य ठाकरे जी की, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे, तो उनका कार्ड आया है ये कार्ड। सो लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश हैं वो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी के पहले उनका नाम जबरदस्त उछाला जा रहा था, जबरदस्त, और अननेसेसरीली बदनामी हो रही थी। और जब से सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई है, सारा एंगल ही बदल गया है, और जो उनका नाम उछाला जा रहा था वो बंद हो चुका है टोटली। तो लगता है खुश हैं, और उनका साल 2020 का सितंबर महीना भी अच्छा रहेगा। उनके पिता उद्धव ठाकरे, उनका कैसा रहेगा सितंबर मंथ? नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ बीइंग क्लूलेस, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। करेंगे तो गड़बड़ तो नहीं होगी, ना करेंगे तो भी गड़बड़ तो नहीं होगी, यानी कन्फ्यूजन, कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। ये मंथ अच्छा नहीं है उद्धव ठाकरे साहब का, गलत डिसीजंस ले सकते हैं। फिर राहुल गांधी जी, अभी आप लोगों को एक हैरानी होगी, आप पिछले भी जो कार्ड ऑफ द मंथ वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी के लिए हमेशा यही कार्ड क्यों आता है, एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड या क्वीन, कोई भी क्वीन वाला कार्ड आता है या एम्प्रेस कार्ड आ जाता है राहुल गांधी जी के लिए। सो अब क्या बोलूँ, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर एस ऑफ सोर्स कार्ड सोनिया गांधी जी के लिए है। सो चैलेंजिंग मंथ अहेड, लॉट्स ऑफ कन्फ्रंटेशंस, बट कमिंग आउट एज विनर।
लुक्स गुड, डिफिकल्ट येट गुड। और जिस तरह का कार्ड है ये, कहीं ना कहीं कुछ तबीयत नासाज होगी इनकी यकीनन। और ये तबीयत से इनकी मेन लड़ाई है, इनकी जो कन्फ्रंटेशन है इनकी तबीयत से है, ये बात भी उतनी ही पक्की है। फिर और वैसे भी आप ऐसे देखोगे तो कांग्रेस में काफ़ी इस समय उथल पुथल चल रही है, तो वहाँ उस फ्रंट पे भी इन्होंने अपना फिर से सिक्का जमाया है। जो भी अगेंस्ट बोलने वाले थे उनकी वॉइसेस दबा दी गई हैं, और शायद ये महीने में और भी ऐसे कुछ एक्शंस लेंगी ये कि ये अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी कांग्रेस पार्टी में। फिर योगी आदित्यनाथ फाइटिंग, सिचुएशन डिफिकल्ट इन यूपी, बट स्टिल एक यंग व्यक्ति की तरह फाइट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सो यूपी में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहने वाली साल 2020 के सितंबर में मंथ में, ये मंथ में। फिर डोवाल साहब आराम, अब इनका आराम है राजनाथ सिंह का मूविंग अवे टुवर्ड्स सेफ्टी काम वाटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये जो इंडिया चाइना क्लैशेस हैं, आपको पता होगा कि मैंने पहले भी कार्ड ऑफ द मंथ जो इंटरनेशनल लीडर्स के लिए दिए थे उसमें भी इंडिया चाइना रिलेशनशिप की भविष्यवाणी की थी कि क्लैशेस होंगे अगस्त में और सितंबर में स्थिति सुधरेगी। फिर मैंने इंडिपेंडेंस डे रीडिंग में भी यही कहा था और क्लैशेस हुए, प्रिडिक्शन सही साबित हुई। फिर अभी भी सितंबर मंथ में भी क्लैशेस होने की पूरी संभावना है, बट समहाउ जो जिस तरह के कार्ड्स हैं, और मैंने एक और इंडिया चाइना के लिए जो रीडिंग अलग से की है उसमें भी यही दिखा कि 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यस उसके बाद स्थिति में सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वही दिखता है कि अल्टीमेटली पीस विल बी रिस्टोर्ड अलोंग LSE। अमित शाह साहब आराम से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीमे काम कर रहे हैं, करेंगे महीने में आराम से काम करेंगे, मे बी तबीयत की वजह से। फिर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये देखिए इन्होंने अपना सिक्का जमा दिया है। जिस तरह ये पीछे देखिए बादल आए हुए हैं, तेज़ हवा चल रही है, लेकिन ये आदमी अपने सिंहासन पे तन के बैठा हुआ है, हाथ में तलवार है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूँ, तुमको लड़ना है तो आ जाओ, भिड़ जाओ। तो किंग ऑफ सोर्स कार्ड, क्लियर कट इंडिकेशन कि ये अपना वर्चस्व साबित करके रहेंगे, चाहे पाकिस्तान आए या चाइना आए, ही विल कम आउट स्ट्रॉन्गर इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। अब काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर डे वाइज मुझे रीडिंग करने को कहा था कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो वो मैं ये 6 सितंबर तक कोशिश करूँगा लेके आने की। तब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।